अजयपाल सारे की इनाम 530 रुपया है। परमादरणीय सत्संग पांडाल में बैठे हुए सभी महानुभाव को रोहितास प्रजापत ग्राम खेड़ा सारंगपुर की ओर से नमामि नमस्कार। राम राम साहब। जिंदगी शोभा बचार दिना को खे चार दिना को खेल सब यही धरो रह जाएगो राजा होए चाहे रंग काल सबको खा जाएगो। समय कम है इसलिए एक छोटी सी जो झिकड़ी की मैन धरोवर है झिकड़ी की जननी है साकी है सुनेगा भैया बनी है और सुखड़ी मनू करे बिनो भजन अरे नाहे काही का प्रभु के जाने कहा मन चची प्रभु के ख्याल जिगर में लाया है और लीलाधारी लीला रथ के पार न कोई आया है। समय का अभाव है इसलिए भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी को शराब दे देते हैं और सुनेगा शराब कैसे देते हैं भैया झर के माध्यम से। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक साथ भोजन कर रहे थे और सुनेगा अरे सतरस भोजन लक्ष्मी जी ने और दियर तुरंत बनाई आई रजो रजनो तो स्वाद
तेरे खुशी सुनो रानी ने दुखी भयो एक चोला है कौन कर्म को दंड मिलो है प्रयोग जब को बोला है कहा करूं मैं कित में जाऊं बात बिगड़ गई सारी और लक्ष्मी ने हिम्मत हारी चौक के माध्यम से भैया लक्ष्मी जी कैसे बोल रही सुनेगा दिया है और कछु ना याद आ लिया है राजेंद्र केड़ा सारण वो लक्ष्मी टप टप या सुधारे सजना देखिए एक बार सभी सरदारी से मेरा निवेदन है समय कम है लेकिन एक बार सभी जोरदारी से जयकारा लगाए अपने सीधे सीधे हाथों को खोल करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की रोहतास जी की इनाम टोटल है 760 रुपया रोहतास जी ले जाएं रोहतास प्रजापत 760 रुपया अपने इनाम ले जाए आरे की कंठ पे तुमासार दे बीच में मोई आई बतइयो सजना देखिए समय कम है और प्रसंग की तरफ ही आई है मेरा प्रसंग उस समय का है एक समय भगवान कन्हैया और रुक्मणी अपने महलों में चौपड़ पासा खेल रहे हैं इधर को घूमते घूमते नारद जी आ रहे हैं नारद जी को देखा भगवान कन्हैया को हंसी आ गई सुनना बड़ी गौर से अब नारद जी सोच रहे हैं कि कन्हैया इसलिए हंसे हैं
कि मेरे पास जोड़ा नहीं है, भगवान के पास जोड़ा है। सजनों, नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गंगा जी में नहाने के लिए चले जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा होती है, उसी नदी में एक सरोवर में एक सुंदर बड़ा फूल बहता आता है। आज नारद जी उसको हाथ में लेकर कृष्ण भगवान के महलों में आ जाते हैं और कहने लगे, कन्हैया एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु लेकर आया हूं जो संसार में दूसरा कोई भी नहीं ला सकता है। भगवान कन्हैया ने कही, नारद जी से मुझे दीजिए, ऐसी क्या चीज लेकर आए हो? पहले मुझे वचन दीजिए, जो चीज आपको देने के लिए जा रहा हूं उसको आप किसी को भी नहीं दोगे। वचन दे दिए, भगवान कन्हैया को सुंदर फूल दे दिया। भगवान कन्हैया सुंदर फूल की खुशबू ले रहे हैं, इधर को उसी समय रुक्मणी जी आ जाती है, कहने लगी, भगवान कन्हैया पति दे इस फूल को तो मुझे दीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी में नहीं दे सकता क्योंकि मैं नारद जी को वचन दे चुका हूं। सज्जनों, रुक्मणी ने कहा, अगर फूल को मेरे को नहीं दिया नहीं तो मैं खाना खाऊंगी नहीं पानी पीऊंगी। भगवान कन्हैया ने सोचा कि नारद जी घर बिगड़वा में तो कसर रही ना है। सज्जनों, उसी सभा में भगवान कन्हैया ने ऐलान कर दिया, ये बिना रख दिया, ऐसी सभा में, इस सभा में कोई वीर है जो ऐसा सुंदर फूल मुझे दूसरा लाकर दे सके? अर्जुन अपनी भुजा उठाता है और जाता है, तीनों दिशाओं में नजर आया, चौथी दिशा में जब नजर घुमाई एक सुंदर राम नाम का बगीचे नजर आ जाता है। जैसे ही बाग में घुसा, वहां पर हनुमान जी का पहरा था, हनुमान जी रोक देता है, बिगर पीछे बाग में किसे घुस रहे हो? भैया मुझे एक सुंदर फूल चाहिए, किसकी सेवा में? मेरे कृष्ण भगवान की सेवा में। सज्जनों, आज हनुमान जी कहते हैं, तेरे कृष्ण भगवान की सेवा के लिए नहीं है, ये तो राम की सेवा के लिए है। सज्जनों, जब इतना कहा राम की सेवा के लिए, अर्जुन घमंड में आकर कहता है, अर्जुन हनुमान जानता हूं जो सीता के पीछे वन भटका था वही तेरा राम है। और हनुमान कहता है, तेरे कृष्ण भगवान को भी जानता हूं जो गुजरिया का माखन खाता है, घर का भोजन नहीं करता। लेकिन सज्जनों, आज अर्जुन कहता है, और अर्जुन तुझको भी जानता हूं, हनुमान कहता है, तूने किसी समय ऐरावत हाथी के लिए बाणों का पुल बनाया था, तेरी मेरी यज्ञ प्रतिज्ञा, हनुमान कहता है। सज्जनों, अगर हनुमान जी कहता है, अगर उस समय मैं होता अर्जुन तो तेरे पुल को क्षण भर में तोड़ देता। आज अर्जुन कहता है, मैं फिर से पुल बनाता हूं, अगर तूने मेरे पुल को तोड़ दिया तो तेरे बाग में फूल नहीं ले जाऊंगा, और नहीं टूटा तो एक फूल ले जाऊंगा। दोनों में अटल प्रतिज्ञा हो गई। सज्जनों, हनुमान जी एक पैर से खड़े होकर किसका सुमरण कर रहे हैं? सुनिए, कर लियो और मन में सुमर लिया मेहतारी, और गर्भ घटाऊं मैया अर्जुन को कैसो वीर बलंकारी। बढ़ाए के हनुमत अर्जुन के ढिंग आयो है, राधा यादव नांगल साइडी।
बच्ची, आपके आंगन की बच्ची राधा यादव की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी नमामी नमस्कार। राम राम साहब, ए राम राम तो ले लो। देखिए आप सभी को पता है समय कम है काम ज्यादा है, और भैया मानो कभी बड़ा सुंदर लिख रहा है दो लाइनों के माध्यम से, और क्या अरे ये ब्रज चोरा और तू रख दंगल में लाज। देखिए समय कम है इसलिए सीधा ध्यान लगाएंगे मेरे प्रसंग की ओर। मेरा प्रसंग, मेरी कहानी, मेरी कथा, मेरा जिक्र उस समय का जिस समय महाभारत के युद्ध में भीमसेन दुर्योधन की दोनों जंगाओं को तोड़ देता है। आज वो दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है और पड़ा पड़ा विलाप कर रहा है, अपनी पहले दशा को याद कर आज रोने लगता है। और देखिए मराठी के माध्यम से कहे क्या रहा है, भैया मोनू सुनेंगे। अरे ये मेरे कहां गए भवनी और किले असधाती, कहा ये मेरे कहां गए भवनी और किले असधाती, और ये भूम रही नाय मेरी है और जा देह की छाया, देह की छाया करत पखेरुआ जिमो गिर धनु हो।
और जिंद फिरे और जोगनी मेरो जीवन ख्वार। तो चारों ओर घेर के बैठे, अरे ये चारों ओर घेर के बैठे और सारन को लग रहा मेलो, और मेरे बाबा आज वो रोवे रण भूमि में। देखिए झड़के माध्यम से और आज जो दुर्योधन विलाप कर रहा है और भैया मोनू किस प्रकार से लिखा, अरे ये ऊंचे स्वरी और टकरा ये पेस खाए और परे चार जिनावर। भैया मोनू, अरे ये चार जिनावर जिन